नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दिल्ली में किसानों पर हुए अत्याचार के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया। वहीं किसान बोले एसडीएम को सौंपेंगे ज्ञापन। कालावाली मंडी में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने अनाज मंडी के शेडों के नीचे एकत्र होकर के सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन किया व नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि किसान मोर्चा की अगुवाई में कर रहे किसान परमजीत सिंह माखा ने कहा कि दिल्ली में स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए किसानों द्वारा शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया। वे आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हम सभी इस घटना से दुखी हैं और इसकी कठोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा कि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं। हम अभी भी गुलामों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां हमेशा ही किसान विरोधी रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल के निर्धारित मूल्य से कम भाव के पैसे मिल रहे हैं, वहीं वजन में भी कटौती डाल दी जाती है। कालावली क्षेत्र में नहरी पानी की कमी है, जिस तरह सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की किसानों विरोधी नीतियों के कारण ही 70% किसानों को खेती करना छोड़ दिया है, क्योंकि अब खेती का धंधा घाटे का सौदा बनता जा रहा है। यही कारण है कि किसानों की नई पीढ़ी खेती से मोह भंग कर चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने हमें नहीं संभाला तो जल्द ही कोई किसान खेती करने वाला नहीं बचेगा। इसके साथ उन्होंने मंडियों पर भी आरोप लगाए कि पहले तो उन्हें नरमे के भाव कम दिया जाता है और ऊपर से फैक्ट्रियों में ले जा करके आधा किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से कटौती करके उन्हें आर्थिक नुकसान भी दिया जाता है। अगर यदि सरकार हमारी समस्याओं को नहीं सुनती है और स्थायी समाधान नहीं करती है तो हम संघर्ष और तेज करेंगे। और इसी मौके के ऊपर मनजीत सिंह ओढ़ा, कौर सिंह, प्रकट सिंह, राम प्रताप, अरिजीत सिंह सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। आप देख रहे हैं कालावाली पल पल से विमल गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। अज का जो धरना प्रदर्शन है किस कारण है? ये कल जो दिल्ली च साढ़े वीर शांतमी धरना दे रहे थे किसान, उन्होंने सरकार वालों दिल्ली सरकार वालों अत्याचार किया गया। उन्होंने डांगा भरिया गई, उन्होंने पानी दछारा न जख्मी किया गया। वो रोज स्वरूप असी धरना दे रहे हैं अते सरकार नूं चिता रहे हैं। जे असी शांतमई तरीके नाल भी धरने करते हैं तो उत्थे भी साढ़े ते डांगा वरदियां, तो फिर असी क्यों ना गड्डियां बंद करिए, बसा बंद करिए, सड़कां ते असी आईए। जे सरकार ने ना संभालिया वो दिन दूर नहीं जो असी सारे आपदे बाल बच्चे लैके, क्योंकि 70% जिमीदार है जिहड़ा वो किसानी छड गया है। वो कोई होर धंधा, चाहे उसनों चपड़ासी की नौकरी मिले, चाहे उसको कोई होर किसी किस्म का करना पे। साढ़े बच्चे अब विदेशों जाके लोगों दिया टॉयलेटा साफ कर देंगे, घर चंगी जमीन होने के बावजूद, क्योंकि जमींदार जो घाटे का सौदा बन गया। इस करके बहुत माड़ा हाल है जमींदार।